गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज साइंस क्लास 6 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड अबाउट द इलेक्ट्रिक स्विच। टुडे वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 4। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्रॉइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, टू वायर्स एंड अ स्मॉल सीट ऑफ थर्मोकोल और अ वुडन बोर्ड। आप बना सकते हैं एक स्विच, दो ड्राइंग पिन, एक सेफ्टी पिन, दो वायर से और एक स्मॉल थर्मोकोल शीट से या फिर वुडन बोर्ड से। इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकोल शीट एज शोन इन फिगर 12.8। आपने सेफ्टी पिन तो देखी होगी, उसके लास्ट में आपको एक छोटा सा रिंग दिखाई दिया होगा। उस रिंग में सेफ्टी पिन को लगा के उसे थर्माकोल में शीट में फिक्स कर देना है, जैसे कि फिगर 12.8 में दिखाया गया है, ये दिख रहा है, ठीक है। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट ईजिली। आप ये देख लें कि जो सेफ्टी पिन है वो आसानी से रोटेट हो सकती हो। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। आपको एक दूसरी जो ड्राइंग पिन है उसको भी थर्माकोल शीट पर उसी तरह लगा देनी है, और जिससे कि सेफ्टी पिन इसको आसानी से टच कर सके। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। और जो सेफ्टी पिन है वो फिक्स हो गई है, जैसे कि जैसे एक्टिविटी हम करना चाहते हैं उस तरह से ये स्विच बन गया है, आप देख रहे हैं ना, इस तरह से 12.9 फिगर देख लीजिए। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक शेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9। अब सर्किट बन गया है, तो इसमें कनेक्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक सेल को और इलेक्ट्रिक बल्ब को इस स्विच में, जैसे कि फिगर 12.9 में दिया है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टच इज द अदर ड्राइंग पिन। अब रोटेट करेंगे जो सेफ्टी पिन है उसको, और टच करेंगे ड्राइंग पिन को, जो दूसरे ड्राइंग पिन है उसे टच करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, अब सेफ्टी पिन को दूर कर दें। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, क्या बल्ब अभी भी लगातार जल रहा है, ग्लो कर रहा है। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। सेफ्टी पिन जो है गैप को कवर कर दे रही है, दो पिनों के बीच के गैप को कवर कर दे रही है। और यू मेड इट टच टू ऑफ देम, इन दोनों के बीच में जो बीच में गैप था उसको कवर कर रहा है कौन, सेफ्टी पिन इसको आसानी से कवर कर दे रही है। और उसे जब हम टच करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, जब उसे हम हटा देते हैं तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन, जब टच होता है आपका पिन ड्राइंग शीट के पिन से तब हमारा स्विच जो है वो ऑन रहता है, जैसे फिगर 12.2 में दिखाया गया, 12.10 में दिखाया गया है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, ये सेफ्टी पिन जो मटेरियल है इसमें वो ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि करंट पास हो रहा है। द सर्किट वॉज कम्प्लीट, इस तरह से सर्किट जो है वो कम्प्लीट हो रहा है। हैंज द बल्ब ग्लो, और बल्ब ग्लो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, एक दूसरी तरफ, द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वॉज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन, जब सेफ्टी पिन दूसरे ड्राइंग पिन को टच नहीं करती है तब बल्ब नहीं जलता है या ना नहीं ग्लो करता है। द सर्किट वॉज नॉट कम्प्लीट एज देयर वॉज अ गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन, जब दो ड्राइंग पिन्स के बीच में गैप रहता है तो फिर सर्किट कम्प्लीट नहीं होता है। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ, तो इस पोजिशन को हम कहेंगे कि स्विच ऑफ है। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कम्प्लीट इट, ये जो स्विच है एक सिंपल डिवाइस है जो जब ये एक ऐसे सिंपल डिवाइस है जिसमें ये अगर सर्किट ब्रेक कर दिया जाता है बीच में से तो ये और या फिर कंप्लीट कर सकते हैं इसे। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटिंग
ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स। ये जो स्विच है, इसका इस्तेमाल लाइटिंग में, इलेक्ट्रिक बल्ब में या दूसरी प्रकार की घरेलू डिवाइसेस में की जाती हैं। प्रिंसिपल सेम रहता है, जबकि इसका जो डिज़ाइन होता है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है, अलग हो सकता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज मेटल्स वायर टू मेक अ सर्किट। जितनी भी हमने अभी तक एक्टिविटीज़ करी हैं, सभी मेटल के वायर का इस्तेमाल किया गया है सर्किट बनाने में। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टीड ऑफ द मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। सोचिए कि अगर एक कॉटन का थ्रेड धागा लेके अगर हम मेटल की वायर की जगह इस्तेमाल करें और सर्किट बनाएं, तो डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हैं दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? क्या इस तरह की जो सर्किट बनेगा उससे जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या लाइटिंग हो जाएगी उससे? वॉट मटेरियल कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट? किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? सो दैट द करंट कैन पास, जिससे कि करंट पास हो सके थ्रू दैम, इसमें से लेट अस फाइंड आउट। चलो पता करते हैं। सो टुडेज क्लास फिनिश हियर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड एक्टिविटीज 4 एंड यू विल हैव टू मेक द पिक्चर ऑफ टॉर्च, जो कि आपको ये सर्किट में बना के दिखाया गया है। ये स्विच है, इस जगह स्विच दिख रहा होगा आपको, ये पूरा फ्रेम बना हुआ है। आप आसानी से इसका सर्किट कंप्लीट करके और स्विच बना सकते हैं, जिससे कि हम टॉर्च को ऑन या ऑफ करते हैं। टुडेज क्लास फिनिश, टुमारो वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 5th। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।